सोचा था छोटी धंधों के लिए रह गया आज, बट टायर पंचर। वी आर गोइंग टू आर ओल्ड स्कूल। अब चक्कर गए हम यहाँ पे आए क्यों हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में लगी नहीं भाई, पहुंच गया है शिमला, वैक्सीन इज डन। कल हम गए थे कहाँ पे, कसुमटी बुई के स्कूल में, वहाँ पे वैक्सीनेशन इज डन, हमारा सेकेंड डोज हो गया है। फीवर पक्का आया रात को, मेडिसिन खा के कंट्रोल किया उसको। तो फिर आज सोचा कि आज थोड़ा घूम लेते हैं भाई के, एक आधा व्लॉग और बना लेते हैं। हाँ, खुद घूमना था ना व्लॉग के, बताना मेरे को क्या हुआ व्लॉग के लिए, व्लॉग के लिए क्या रीजन है। हम जा रहे हैं बिकॉज भाई साहब ने, उज्जवल दिलेक ने व्लॉग बनाने थे इनके पास। ये क्या किया आपने, सर्फ तो ठीक है, इसको साफ तो करो। ओहो हो, बस हो गया। दूसरे मम्मी ने जूतों के हाल देखना क्या कर दिया। अच्छे बन जाएगा, नहीं बन तो जाएगा, अच्छी बात है। अब इसको अच्छे से साफ करके, और गंदे हो जाएंगे, नहीं होगा इसको, लेट हो जाएगा हम यार। नहीं बस मैं तो रेडी हूँ। अरे हम आज मॉल रोड, अरे आपको आज बीच में दो तीन चीजें और भी दिखाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। आज बेसिकली स्टोरी डे होने वाला है, थोड़ी ज्यादा स्टोरीज चलेगी आज, बिकॉज शिमला से यार जहाँ पे आप पैदा हुए हो, जहाँ पे आपने अपना पूरा बचपन प्लस टू तक निकाला है, वहाँ पे आपकी स्टोरीज तो होगी ऑब्वियसली। तो देयर इज खतरनाक स्टोरीज होगी भाई। हाँ एग्जैक्टली, सो देयर इज लॉट्स टू कम टुडे, सो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड। इससे ज्यादा मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इस पे। यार और मैं गाड़ी खुद लेके आया इस बार, इतना बोर हुआ यार रास्ते में लाते गाड़ी, मेरे को लिटरली नींद आ रही थी यार, और लिटरली इट टुक मी अराउंड 7 hours टू रीच हियर। सो हे बाय मम्मी को बाय तो कर ले पहले, ठीक है मम्मी। ये मम्मी की पता नहीं कब की कोटी है बेचारी, पहन के रखी है, बैठ पे जानी है। पहनते क्यों आप ऐसे, गर्म है? नहीं गर्म नहीं, आजकल इतनी ज्यादा थोड़ी ठंड नहीं, हल्की हल्की ज्यादा गर्म। ले लो, टाइम आ गया, टाइम टू चेंज। अब जब तू कमाने वाला बन जाएगा, यूट्यूबर है, अब जब तेरी फर्स्ट इनकम आएगी ना तब लेके कोटी, इसलिए इसलिए जल्दी जल्दी मेहनत कर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी मेहनत करो भाई साहब, ठीक है ना? शुरू और वेद अंकल को बोल दो मम्मी तब तक कि हम आगे ऊपर को देख रहे हो, ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है तो मुश्किल होता है ऊपर से। इसका सीन बहुत स्पेशल रहने वाला है, स्पेशल इसलिए रहने वाला है क्योंकि मैं जाते जाते आपको बहुत सारी स्टोरीज बताऊंगा अपने बचपन से रिलेटेड। मेरे फैमिली में अराउंड 11-12 हम बच्चे होते थे, तो यार सब भी शिमला में पढ़े, और आपको पता है शिमला एक छोटा सा टाउन है, तो ज़्यादा स्कूल्स होते नहीं थे, कम स्कूल होते थे, तो मैक्सिमम हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं मैक्सिमम टाइम। थोड़ी लाइटिंग की इशू हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। सोचता था छोटी धंधों के लिए रह गया आज, बट टायर पंचर, वेरी वेरी बैड डिसीजन। सही बात है, अब मुझे लग रहा है अंकल जी को वापसी बुलाना पड़ेगा। देख गाड़ी भी थोड़ी पीछे से ना ऐसी बैठी बैठी ऐसी है, तो फिर लेट और लेट लेट हमारा नाम तो है ही, बट एक्स्ट्रा लेट हो गया इस तो बहुत ही ज़्यादा भाई। जब हमको बेचारे को बोला था वेट करियो, देखते हैं। इस मैं शिमला आया था, तो शिमला में ना एक ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ होती थी जो कभी चेंज नहीं होती थी, वो थी दादी। भाई मतलब जब से वो शी इज़ नॉट हेयर, तब से ऐसा हो गया कि मिसिंग बचती है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो कैसे वाली। मेरे जब भी कभी चंडीगढ़ से आते थे, जैसे मैं आता था, तो ना दादी ऐसी होती थी बेचारी, जहाँ भी होगी वो स्पेशली मिलने आ जाती थी उसी टाइम पे कि हाँ भाई मेरे पोते आए हैं, तो वो मिसिंग बज रही थी। कल मुझे बार बार ऐसे लग रहा था दादी गए दादी गए, फिर हम जब सोने भी गए तब भी बार बार ऐसे ही लग रहा था कि दादी साथ में सोती है, अभी दादी बोलेगी, डांटेगी, कुछ करेंगे, बिल्कुल सुनसान हो गया भाई। तो काफ़ी मिसिंग बजता है दादी के बिना। सही बात है, मतलब वो ना कल उनका फ़ोन भी आया था, तो मैंने उनको फिर भी बोला मैं दादी बहुत मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। सही बात है, अब रौनक एक रौनक थी ना ऊपर टेरेस की, पूरे घर की वो थोड़ी सी, अरे वो जो देखभाल टेरेस की करते थे ना वैसी हम कोई नहीं कर सकता, हमने तो गा पाया है वहाँ। टायर पंचर था तो अंकल जी को वापस बुला लिया है, तो हंसूंगा नहीं ज़्यादा, होता है जो होता है, क्या करना है यार गाइस। तो वी आर गोइंग टू आर ओल्ड स्कूल बिकॉज जो हमारा भाई दिव्यम है
वो भी उसी स्कूल से पढ़ता है, तो एक हमारी लेगेसी लेगेसी चली है स्टार्टिंग फ्रॉम लक्ष्य भाई, वो भी वहीं पे पढ़ते थे, देन उज्जू, देन मी, ठीक है। एंड मैं बताता हूँ ना पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो यार शुरू क्या होता है, चक्कर हम थे 11 बच्चे घर पे, आपको पता ही है, तो सब यहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली, शिमला में पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले हम सब ने स्कूल ऑप्ट किया, वो था SPS शिमला, वो था शिमला पब्लिक स्कूल। तो शुरुआत वहाँ पे रुबीना दीदी ने की, मतलब मेरी तीनों सिस्टर्स वहाँ पढ़ती थी एक्सेप्ट फॉर ज्योतिका दी, और मैं और अक्षय भाई पढ़ते थे। तो रुबीना दी वहाँ पे हेड गर्ल भी होते थे। तो वहाँ चक्कर क्या होता था, सुबह यहाँ से सारे घर से निकलते थे, इतने बड़े बड़े पिट्ठू चक्के, और यहाँ पे बसेस के लिए खड़े रहते थे। तो एक तरह से वो स्कूल कैसे बोलते हैं, दिलैक्कों का स्कूल है, मतलब यहाँ पे सारे दिलैक्स ही पढ़ते हैं। तो पहली स्टोरी तो वहाँ की वो ही, सेकेंड स्टोरी वॉज ऑफ एडवर्ड्स। तो मैं तो एडवर्ड्स फोर्थ क्लास में ज्वाइन किया, बट आगे वाले भाई साहब नर्सरी से पढ़ते थे, लक्ष्य भाई भी नर्सरी से पढ़ते थे। हाँ, फर्स्ट से वो फर्स्ट से पढ़ते थे, मैं नर्सरी से, मैं फोर्थ में आया, दिव्या और मनित भी नर्सरी से पढ़ते थे। तो चक्कर ये था कि वहाँ पे ऐसे होता था, मतलब हमें सारी टीचर्स जानती थी, मतलब ऐसे होता ना यार, अगर एक फैमिली के सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े तो सारे जानते हैं आपको, सारे। तो अभी तक भी दिव्यम को बहुत सारी हमारी जो एक्स टीचर्स थी वो पूछती है दिव्यम को कि कहाँ हैं आपके भाई बहन, मतलब दिव्यम को ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे ही जानते हैं बिकॉज उसके इतने सारे भाई वहीं पे पढ़ते थे, और उसी बेसिस पे जज भी करती थी टीचर्स कि तुम्हारा भाई तो बड़ा अच्छा था, तुम क्यों ऐसे क्या 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 कि तुम्हारा बड़ा भाई तो बड़ा अच्छा था, तुम क्यों ऐसे शरारती है। तो यार जो एडवर्ड्स था वो होता था बॉयज स्कूल, और जो शिमला पब्लिक स्कूल था SPS था वो था कोएड, मतलब दोनों बॉयज़ और गर्ल्स पढ़ते थे वहाँ, हम सारे लड़के वहीं पे पढ़ते थे इसी करके कि, और वो शिमला में एक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स भी माना जाता था उस टाइम पे, नॉट ओनली फॉर स्टडीज़ बट फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सब पढ़ाई पे फोकस होता था, आपको ओवरऑल डेवलप करवाते थे वो। तो ये थोड़ी बहुत स्टोरी, सन ब्लास्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, बहुत हार्श है सन। तो गाइज वी हैव कम टू एडवर्ड्स, अब चक्कर गए हम यहाँ पे आए क्यों हैं, क्योंकि हमें मिलना था एक बंदे से जो कि ही इज़ नॉट हियर, उसको अच्छा खासा बोला था, हम थोड़े लेट तो हो गए बट ही इज़ नॉट हियर, बोले मैं सबसे पहले आता हूँ स्कूल से बाहर, तो वो इस टाइम तक निकल ना गया उज्जू यार। ये देख रहे हो ब्रिज, इस ब्रिज पे भाई हम आफ्टर स्कूल इतना, मतलब यहाँ सब दोस्त मिलते थे, गपशप मारते थे बढ़िया, यहाँ से थोड़ा आगे जाके हमारी ना ट्यूशन होती थी, तो सबका ना पहले वेट करते थे कि आ जाए सब, आ जाए सब, आ जाए, उसके बाद जाके निकलेंगे हम अपने ट्यूशन की तरफ। तो भाई यहाँ तो मतलब इतनी सारी स्टोरीज है ना भाई इस जगह की, स्पेशली तो देखो एडवर्ड्स की, क्योंकि 12 साल काटे भाई स्कूल में, कम नहीं होते 12 साल, क्या नहीं किया है भाई हमने, क्या क्या नहीं किया है यहाँ भाई, मतलब यहाँ से सब कुछ सीखा है, पढ़ा है, जहाँ भी घूमे आज तक सब की वजह से ही घूमे। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मैं स्कूल से पढ़ा हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी एन एडवर्डियन। तो पहले ना अभी मैं दिव्यम को ढूंढने जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसा गेट होता था, यहाँ से सारे बच्चे जब छूटते थे भाई, ओहो यहाँ भीड़ लगी होती थी भाई। यहाँ हमारे गोलगप्पे वाले भैया बैठते थे, तो भाई यहाँ गोलगप्पे का ना मैं वो लगा होता था कॉम्पिटिशन, कौन सबसे ज़्यादा खाएगा, 100-150 रुपए के ऐसे ही खा जाते थे हम गोलगप्पे वगैरह। दिस स्कूल वॉज फन, लिटरल फन ब्रो। यहाँ से आगे देखो ये है अपना होटल, होटल हिमलैंड ईस्ट वेस्ट बोथ। ये देखो शॉप है यहाँ, सेंडी, सेंडी भाई की दुकान होती थी यहाँ भी भाई। सुबह सुबह आओ खाने पीने का ले जाओ, और फिर स्कूल जाओ। सबसे पहले यहीं इकट्ठे होते थे सब, या तो लीलाधर की दुकान के पास या यहाँ भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ दिव्यम को ढूंढने, होप्स हो गए वो मुझे मिल जाए कहीं बीच में, कहीं ना कहीं तो मिल जाए भाई, क्योंकि वो मुझे पता है वॉकिंग ही जाता है यहाँ से भाई। 8-9 बारी फ़ोन कर दिया, बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहे, बात ही कोई है। तो और मैं यहाँ से आगे जाना चाहूँगा नहीं, क्योंकि लंगूर ही लंगूर है भाई, उनको ढूंढा हुआ मुश्किल, वो बंदा ढूंढ के भी नहीं मिल रहा है भाई, उसने गद्दारी कर दी भाई आज, बहुत बड़ी गद्दारी लगा। तो फ़ोन उठा ले बस एक बार यार, पर उसको मैंने मैसेज भी किया था स्पेशली कि थोड़ा लेट हो जाएगी ऑन द वे, तो मिल जाएगी, बट ऐसे सच बंदे का कोई पता सता नहीं है। यहाँ वो जा रहे, जब हम छोटे होते थे 4th-5th में, तो मम्मा वगैरह यहाँ इंतज़ार करते थे हमारा, पहले ये कुछ इतना बना नहीं था बट सीमेंटेड था, अब तो पूरा बट स्टील का बन चुका है, अच्छा बन चुका है, और प्रॉपर वो सब, इतनी लंबी ग्रिल्स वगैरह कुछ नहीं होती थी, बट यहाँ मम्मा वगैरह वेट करते थे जब हम छोटे होते थे, जब भी हमारे को लेने आते थे। फिर उसके बाद घर जाओ बस में। तो भाई यहाँ की मतलब इतनी सारी यादें, बता बता के थक सकता हूँ मैं,
मेरे दो तीन ब्लॉग इसमें निकाल सकता हूँ कि एडवर्ड्स की यादें। देख रहे हो यार, हम भी ऐसे ही आते थे हमारे टाइम पे। मतलब अभी तो कोविड करके काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, बट हमारे टाइम पे ना लाइंस लगती थी। लाइन अगर किसी ने तोड़ी तो यहाँ पे सामने पीटीए सर खड़े होते थे, बस यहाँ सामने, तो बस पेरेंट्स के सामने ही मार पड़ जाती थी। ये सामने जो मेन बिल्डिंग दिख रही है ना, इसमें होती थी कैंटीन और स्पोर्ट्स रूम वगैरह, तो मैक्सिमम क्लासेस भी हमारी वहीं होती थी। और ये लोअर फील्ड होती थी, वहाँ पे सारे बड़े टूर्नामेंट्स होते थे। ये यहाँ पे छोटी क्लासेस को खिलाया जाता था, ये बास्केटबॉल ग्राउंड है इधर को। देखते किधर है दिव्यम, उसका ही इंतज़ार कर रहे हो। बोल रहा मैं आगे कहीं चले गया हूँ, स्टिल नॉट एबल टू फाइंड हिम। यार ये हो गया छुट्टी टाइम, तो यहाँ पे गाता था। यहाँ पे पहले जब कोविड नहीं होता था, मतलब पहले भी, इससे पहले भी यहाँ पे ना बच्चे काफ़ी सारे यहाँ पे बैठते थे। यहाँ पे मतलब गोलगप्पे वाले बैठते थे, कुछ और बेचने वाले बैठते थे। तो फर्स्ट थिंग ये होती थी कि बाहर जाके हम खाते थे, और सेकेंडली अगर कोई स्कूल के बाहर आए ना तो बहुत ही एक्साइटमेंट होती थी। बट दिव्यम का पता नहीं कहाँ है वो बंदा। कैसा लग रहा है, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। बच्चों को देखकर भाई मतलब अपने दिन याद आ गए। हम भी कैमरे में देख के बोल रहे हैं यार, हम भी ऐसी भागे भागे दौड़े दौड़े आते थे भाई। अरे याद है यहाँ पे बाहर गोलगप्पे वाले वगैरह बैठते थे। अरे गोलगप्पे वाले बताया मैंने इनको पहले भी, हम गोलगप्पे भाई कॉम्पिटिशन होते थे हमारे, सबसे ज्यादा कौन खाएगा, 100-150 रुपए के गोलगप्पे तो ऐसे ही खा जाते थे। फिर हाँ मैं बीमार भी बहुत हुआ था उसके बाद, वो तो चलो वो तो सह लेते थोड़ा, बट ऑल टुगेदर मजा आता था। यहाँ ग्रुप बनता था सबसे पहले, यहाँ बनता था एक ग्रुप गेट के बिल्कुल साथ, यहाँ ग्रुप बनता था पहले, फिर उसके बाद यहाँ ग्रुप बनता था। बाहर से कोई बच्चा घूम, बाहर से बच्चा कोई लेने आया हो, मतलब ऐसे मिलने आया हो हमारे से या किसी और स्कूल के, जैसे बहुत एक्साइटमेंट रहती होगी भाई। एक्साइटमेंट ऐसी वैसी थी, जब भी हमारा कोई बड़ा भाई आता था तब तो और ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट होती थी। दिव्यम को है ही नहीं भाई, वो बंदा मिल ही नहीं रहा भाई, एक्साइटमेंट ही नहीं। एक्साइटमेंट क्या, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा, इतने सारे बच्चे आ गए, इतने सारे बच्चे चले गए भाई, वो नहीं दिखा। वहाँ पे देख रहे हो कितने सारे जमा हो गए एक साथ में। फोन आ रहा है, पूछो पूछो कहाँ है। हेलो कहाँ है भाई। तो यार एडवर्ड्स की ना मतलब यादें मैं बता नहीं सकता हूँ, अलग ही लेवल की यादें हैं। What all we have done here, जो हमने यहाँ किया है ना वो कहीं नहीं किया है। हम सारे भाई होते थे यहाँ पे, सब हमें जानते थे, मतलब एक अलग ही माहौल होता था, और सब किसी ना किसी फील्ड में अच्छे होते थे। जैसे मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, एडवर्ड्स में मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होता था। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे एथलेटिक्स बहुत ज़्यादा होते थे, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करता था, मेडल जीता हूँ। दिव्यम का इंतज़ार हो रहा है, उससे मिलते थे, आपको उसकी स्टोरी भी बताते हैं, उसको लॉकडाउन के बाद स्कूल जाना कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है। और तब तक मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, शिमला में जितने भी स्कूल थे उसमें से बहुत सारे स्कूल हम पढ़ चुके हैं, मतलब मेरी फैमिली से बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से पढ़ गए, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ होती थी वहाँ की। तो जो ये एडवर्ड्स है, यहाँ की स्टोरी ऐसी ख़तरनाक है कि मैं 4th से लेकर 10th तक था, और मेरे से पहले ये भाई साहब वहाँ पढ़ते थे। मनित भी मुझसे पहले पढ़ता था, नहीं मनित मेरे बाद आया। मैं आपको दिव्यम की भी एक स्टोरी बताऊंगा जो मुझे याद है, जब वो पहले टाइम स्कूल जाता था ना, वो कैसी हरकतें करता था। हरकतें भाई वो बंदा, अभी नहीं बतानी हो, वो जब वो आएगा उसके मुंह के सामने उसके एक्सप्रेशंस नोट करके, ठीक है। तो अभी चक्कर क्या होता था गाइस, देखो तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया, मैं ना फर्स्ट टाइम आके मैं 4th में था और मैं रोया था स्कूल में आके, बिकॉज यार मैं टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट से आया था, और यहाँ पे टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट था, मतलब हर एक चीज़ का, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो मैं रोया था पहले दिन आके, बट उसके बाद नहीं रोया मैं कभी नहीं। तू तो पहली बार ही आके रोया था। मैं खुद यहाँ देखो, मैं तो नर्सरी से बढ़ रहा हूँ, मैं तो 4th तक खुद रोता था जब पहले दिन स्कूल आता था। स्कूल मम्मी तो ना बड़ा ना
ऑफ सा फील होता था जब छुट्टियों के बाद आते थे ना, बड़ा ऑफ सा फील होता था यार, कहाँ आ गए यार। बट स्कूल अब मिस तो करते होगे भाई? इतना मिस करता हूँ ना मैं एडवर्ड्स तो स्पेशली। यहाँ क्या क्या नहीं किया है भाई, यहाँ देखो लोअर फील्ड की कहानियाँ सुना दो ना आपको, इतनी सारी है। यहाँ फेट होती थी, एनुअल फंक्शन होता था, एथलेटिक मीट होती थी। मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, ये बॉयज स्कूल अकेला ऐसा बॉयज स्कूल है जिसका इतना बड़ा कैंपस है पूरे शिमला में, जिसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज है। आप देख सकते हो तीन तो फील्ड ही है। और एक और बात, ये बंदा सबसे ज़्यादा पढ़ा है स्कूल में, सबसे ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ा है, 12 साल ऑलमोस्ट। नहीं अब तो मन्नी भी बल्कि 12 साल ही है, क्योंकि वो भी नर्सरी से ही था। तो मैं फिर मन्नित, फिर अब शायद ये दिव्यम भी 12 साल ही हो जाएगी इसको भी। तो फिर कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस पूरा स्कूल का? भाई बहुत ही, मतलब जो मैं हूँ अभी जैसा हूँ एडवर्ड्स की वजह, मैं सच बताऊँ जो मेरी एक फाउंडेशन बोलते हैं ना, फाउंडेशन बनती है वो इस स्कूल ने बनाई है। जो एक्सपोजर मुझे दिया है इस स्कूल ने दिया है। तो यार भाई ने एक बहुत अच्छी बात की अभी एक्सपोजर की, तो ये बिल्कुल सही बात है कि एडवर्ड्स ने जो हमें एक्सपोजर दिया ना ज़िंदगी में, वो कहीं किसी चीज़ ने नहीं दिया यार। मतलब इस चीज़ के लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप को कि हमें वो चीज़ का एक्सपोजर है जो नहीं होता है बहुत सारे लोगों में। कॉन्फिडेंस नहीं होता है, एक्सपोजर नहीं होता है। एक्सपोजर कैसे पता चलता है? जब आप एक्सप्लोर करते हो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स थिंग। हाँ, क्योंकि यार देखो हमारे को एडवर्ड्स में ना मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी करवाई है, मतलब जो आप काफ़ी लेट भी करते हो, मतलब आपको पता नहीं होता है काफी टाइम तक। बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ना वो बहुत ज़्यादा होती थी। ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई ओरिएंटेड था ये स्कूल की, आप सिर्फ पढ़ाई करो। पढ़ाई भी था, मैं मना नहीं करता हूँ, पढ़ाई भी होता था, बट वो बिसाइड्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। जैसे एक एनुअली जो एक चीज़ होती थी वो होती थी एथलेटिक मीट्स होती थी। और क्या होता था एनुअली? डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्किट्स होते थे, प्ले राइटिंग होती थी, और क्या होता था, सैलेड मेकिंग होती थी, रंगोली मेकिंग होती थी। फिर उसके बाद एनुअल फंक्शन होता था भाई। एनुअल फंक्शन में जब पूरी तैयारी होता था, सोचो एक महीना पूरा डेडिकेटेड एनुअल फंक्शन भी होता था। जो चीज़ ये स्कूल आपको देता है ना वो कोई नहीं दे सकता। अभी तक खुद से नहीं जाया गया, या मतलब कहीं और से नहीं गए हम, के कहीं भी फॉरेन कंट्री यहाँ की वजह से गए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ से मैं अपनी जिंदगी में गोवा, जयपुर, US, नासा, लंदन वगैरह, और फोर्थ नहीं, इतनी जगह घुमा मैं तो शायद। मैं ज़्यादा घूमा, और ये केरला भी गया, केरला गया, गोवा भी गया, और मुंबई भी गया, मुंबई भी गया हूँ। तो देखो यार, मतलब स्कूल डे से आपको वो एक्सपोजर देते हैं कि हाँ भाई आप घूमो बाहर, अकेले जाओ, अकेले मैनेज करो, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आई एग्री टू दिस। बट ये मोस्ट फेमस कॉन्वेंट स्कूल है, इसके अलावा गर्ल्स स्कूल है जो भी है। तो दिस इज़ एडवर्ड्स फॉर यू। बहुत बहुत ज़्यादा मेमरीज है स्कूल की। इट इज़ लोकेटेड ऑन वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन शिमला, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन शिमला। सो आई एम हाईली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, द स्कूल फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, जहाँ आज मैं हूँ इन्हीं की वजह से। एक और चीज़, इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भी मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। इससे पहले मैं शिमला पब्लिक स्कूल में होता था, तो पापा का ये होता था कि दोनों बेटे एक ही स्कूल में होने चाहिए। तो पापा ने बहुत पापड़ बेले यहाँ हमें, मेरे लिए एडमिशन करवाने के लिए बहुत पापड़ बेले। बट फाइनली भगवान को मंजूर हो गया कि मैं फोर्थ में एडमिशन लेके यहाँ पे आ गया। तो फिर पहले बोलूँ क्या करना पड़ता था, जब ये SPS में होता था तो SPS आपका खलीनी में, और ये है हिमलैंड। तो चक्कर क्या होता था, पापा पहले हम विकास नगर से आते थे, तो पापा को पहले बस से स्पेशली उतर के इसको SPS छोड़ना पड़ता था। मैं तब तक बस में बैठा रहता था, वो स्टॉप पे खड़ी रहती थी ताकि सवारी उतर चढ़ सके, तब तक मैं बस में बैठा रहता था। उसके बाद पापा फटाफट बेचारे इसको छोड़ के फिर बस पे चढ़ते थे, फिर मेरे को यहाँ छोड़ते थे भाई। मतलब एक वो ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता था। मम्मा आते थे बेचारे, पहले मुझे पिकअप करेंगे, फिर इसको पिकअप करेंगे। तो यार वो होता है ना, अगर एक ही स्कूल में दोनों बच्चे हो तो ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाती है। और सेकेंडली एडवर्ड्स का नाम भी दूसरा ही था यार उस टाइम पे। मतलब सारे शिमला में पेरेंट्स चाहते थे कि आपका बच्चा एडवर्ड्स में पढ़े। जो इससे हम अगले स्कूल में गए थे वहाँ पर पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा था, तो वो भी मैं लकी फील करता हूँ कि मैं 11th 12th वहाँ से की। बिकॉज जो वहाँ पे मुझे पढ़ाई के लिए, जो मतलब मेरे अंदर जो ये पढ़ाई वाला एलिमेंट आया है ना, वो उसी स्कूल से आया है। मेरे भी भाई, मैं प्लस वन। जहाँ से हमें एक्सपोजर मिला उस स्कूल से हमें पढ़ाई वाला एलिमेंट मिला, तो वो उसके बारे में हम अलग से बताएं। ये गाइस, ये स्कूल इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने, किया था वैसे तो, ये हुआ था इस्टेब्लिश आपके अराउंड 1925 में। सोचो 1925 से ये स्कूल चला आ रहा है अभी तक, और आगे भी चलता आएगा। गोइंग स्ट्रॉन्ग द ओल्डेस्ट स्कूल इन शिमला। और इसका जो आप आर्किटेक्चर आज भी देखोगे ना, अभी भी दिखा, आगे को दिखा, वो जो सबसे फ्रंट वाली बिल्डिंग दिख रही है आपको, उसमें देखो आपको आर्किटेक्चर दिखेगा, काफी ओल्ड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। बल्कि उसमें जो
ये ब्रिक्स भी यूज हुई है ना, वो भी काफी पुरानी है। सही बात है। तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ द शिमला। तो बहुत फेमस है, उस टाइम से भी बहुत फेमस था, खैर आज तो है ही है। आपको हाँ इस स्कूल का टूर जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा जो मेरे एडवर्ड्स के दोस्त हैं उनके साथ ही मैं स्कूल में जाऊं, आपको पूरी कहानियां बताऊं, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब वो लोग भी होंगे, कहानियां सुनाएंगे, जो भी होगा सब बताऊंगा आपको, और पूरे स्कूल का टूर भी करवाऊंगा। अभी सीन शायद ऐसे आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से, या तो वही है जैसे हमारा कोई भाई पढ़ता है स्कूल में जैसे दिव्यम, तो उसके साथ जा सकते हैं मंदिर, नहीं तो ऐसे जाना वैसे अलाउड नहीं है अभी, बट चांस मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगा और ज़रूर मिलाऊंगा आपसे और ज़रूर दिखाऊंगा आपको पूरा का पूरा स्कूल। ड्रेस के बारे में बताने चाहता हूँ, ये जब से हम भी थे ना बिल्कुल सेम ड्रेस थी।